वेलकम टू स्टडी विद एएमसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। यह चौथा पार्ट है, इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी शो हो रहे हैं, आप यहां से भी टच करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज उस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो इसकी सूचना मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए करते हैं आज इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वास्तविक फल है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल है, तो इसमें काजू एक वास्तविक फल है। इनमें ट्रिक शब्द का संबंध किससे है, तो ट्रिक शब्द का संबंध ब्रिज से है। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, तो इसमें सही जोड़ा मिजोरम है। मिजोरम आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का किस शहर में आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन ब्यूनस आयर्स में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तलाक संबंधी विधेयक के मसौदे पर सहमति जताने वाला पहला राज्य बन गया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य 3 तलाक संबंधी विधेयक के मसौदे पर सहमति जताने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया, तो हाल ही में शशि कपूर जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं उनका निधन मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हो गया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में प्रकाशित वर्ष 2017 के 50 अग्रणी वैश्विक विचारकों की लिस्ट में किस भारतीय अमेरिकी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो कमला हैरिस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस राज्य में ऐतिहासिक इमारतों, किलों और महलों को वायुमार्ग से जोड़ने हेतु पैलेस ऑन विंग्स सेवा शुरू करने की योजना बनाई है, तो राजस्थान राज्य ने यह सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। भारतीय नौसेना दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस जगह पर माइक्रोमीटर की डेटम लाइन होती है, तो माइक्रोमीटर की डेटम लाइन अन्यत्र में होती है। सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं, तो सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को TDC कहते हैं। TDC यानी कि टॉप डेड सेंटर। धारिता एक राशि है, तो धारिता एक अदिश राशि है। हाइड्रोमीटर नापने का यंत्र है, तो हाइड्रोमीटर जल का घनत्व नापने का यंत्र है। आग बुझाने वाली गैस, तो आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऊष्मा का उत्तम संचालक है, तो ऊष्मा का उत्तम संचालक सिल्वर है। DC शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है, तो DC शंट मोटर का प्रयोग मशीन टूल संचालन में किया जाता है। सूखा बर्फ क्या है, तो सूखा बर्फ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। मेटोमार्फिक चट्टानों का उदाहरण है, तो मेटोमार्फिक चट्टानों का उदाहरण मार्बल है। मलेरिया प्रभावित करता है, तो मलेरिया स्प्लीन को प्रभावित करता है। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए निकिल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, निकिल टेस्ट परीक्षण किया जाता है। ओणम किस राज्य की मुख्य त्यौहार है, तो ओणम केरल राज्य की मुख्य त्यौहार है। मछली किस माध्यम से श्वास लेती है, तो मछली गिल से सांस लेती है। निम्नलिखित में से कौन मैमल नहीं है, तो इसमें मछली मैमल नहीं है। इनमें से सबसे कठोर तत्व, तो इनमें सबसे कठोर तत्व प्लेटिनम है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन K खून का थक्का बनाने में सहायक होता है।
किस परिपथ में आउटपुट सिग्नल एमिटर से प्राप्त किया जाता है? तो एमिटर एमिटर फ्लावर में आउटपुट सिग्नल एमिटर से प्राप्त होता है। कौन सा स्थान थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से विख्यात है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से विख्यात भूटान है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है? तो कावेरी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? मुद्राक्षस किसने लिखा है? तो मुद्राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। निम्नलिखित में से व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग कौन सा है? तो इसमें स्वेज नहर व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग है। वैध मुद्रा का अर्थ है? तो वैध मुद्रा का अर्थ है करेंसी नोट। किस देश ने उपग्रह को सबसे पहले सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा था? तो USSR ने सबसे पहले सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उपग्रह को छोड़ा था। USSR यानी कि सोवियत संघ। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय Washington DC है। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो कॉमनवेल्थ गेम सर्वप्रथम 1930 में आयोजित किए गए थे। महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या है? तो महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश मैन है। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताजा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें समुद्रापगामी कहा जाता है। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? तो हार्मोन आमतौर पर बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। डेंगू ज्वर का कारण है? तो डेंगू ज्वर का कारण वायरस है। निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो उत्तम कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को माना जाता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है या किसको प्रभावित करती है? तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है यह रुधिर यानी ब्लड को प्रभावित करती है। ऑपरेशन फल्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फल्ड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कोई भारतीय नागरिक न्यूयॉर्क में फ्लैट किराए पर ले तो वह किसमें शामिल किया जाएगा? तो यदि कोई भारतीय नागरिक न्यूयॉर्क में फ्लैट किराए पर ले तो वह US के GNP में शामिल होगा। अब मूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो अब मूल्यन आयात को महंगा बनाता है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है? तो प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक चींटी जिसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है तो वह है संयुक्त आंखें। किस शहर में आयुष और तंदुरुस्ती पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोग 2017 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में आयुष और तंदुरुस्ती पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2017 आयोग का आयोजन किया गया। निम्न में से किस देश के शोधकर्ताओं ने कैंसर मेटास्टेटिस से संबंधित दवा विकसित करने की हाल ही में घोषणा की है? तो जापान के शोधकर्ताओं ने कैंसर मेटास्टेटिस से संबंधित दवा विकसित करने की हाल ही में घोषणा की है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ या लाइव आऊँ तो इसकी सूचना मिले आपको सबसे पहले। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।